ये बॉल है, यस सर। ये बॉल है, मास एम है, हाँ एंड ये ऐसे चलती आ रही है यस यू से। ये सिमेट्रिकली हिट करती है दो आइडेंटिकल बॉल्स को। यस सर। दो बॉल अगर ई दे दें तो देर वुड बी सम फाइनल सिचुएशन। अगर यस ई दे दें तो देर वुड बी सम फाइनल सिचुएशन। फाइनल वेलोसिटी पूछ सकते हैं, हाँ ई दे के तो पूछ सकते हैं ना कि हाँ इतना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन था, इलास्टिक कोलिजन था, क्या बोलते हैं, या फिर ई हाफ था, वट एवर, तो वट हाँ इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ईच। हाँ एंड अगर वो फाइनल सिचुएशन दे दे, अगर वो फाइनल सिचुएशन दे यस दे तो देर वुड बी अ दैट वुड हैपन फॉर अ यूनिक वैल्यू ऑफ ई, यस सर। कि ई वन के लिए ये फाइनल सिचुएशन होगी, ई हाफ के लिए ये फाइनल सिचुएशन होगी। तो फाइनल दे दिया तो ई पूछेगा वो, तो हाँ दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें ई पूछा गया था। यस उसने ये कहा था कि दिस फर्स्ट कम्स टू रेस्ट आफ्टर हिटिंग, इट कम्स टू टू रेस्ट आफ्टर आफ्टर हिटिंग फाइंडी। ऐसे था, हाँ ये यू से आ रहा है, हाँ वैसे आया। उसके बाद मैंने हाँ कहा इसके ऊपर आर आर टू आर टू आर टू आर, हाँ सो आई वुड से कि दिस इज 60, यस 60 एंड 60, एंड हाँ इसके अलोंग इंपल्स लगेगी इस पे आई, यस और इस पे भी ऐसे लगेगी आई वन, हाँ और इस पे लगेगी आई टू, हाँ और इस पे लगेगी आई टू आई टू। अब यस सर। हाँ आइडेंटिकल बॉल्स बोली हैं, यस आई वन आई टू सेम मान लेंगे, सर। हाँ ठीक है, तीनों बॉल्स आइडेंटिकल बोली गई हैं, हाँ तो आई वन आई टू सेम मान लो। तो यस इसको भी मैंने आई वन ही बोल दिया, इसको भी मैंने आई सर वन बोल दिया। यस सर। इस पे जो नेट इम्पल्स लगेगी वो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग लगेगी, थर्टी हाँ थर्टी, तो इस एक्स एक्सिस में ही लगेगी, हाँ या ना। यस सर। उसके बाद हमने कहा सिस्टम पे कोई इम्पल्स लग नहीं रही, तो आई कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑन द सिस्टम इन बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई वाय एक्सिस। यस सर। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी डायग्राम में इसकी वेलोसिटी में मानूंगा इम्पल्स के अलोंग आ गई, यस सर। कैन आई से दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल वुड हाँ ऑल्सो बी 30 30, तो इसकी यस वेलोसिटी वी वन मान ली हाँ एट एंगल 30, 30 यस सर एंड कैन आई से इसकी भी वी वन ही होगी एट 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 30 30, यस सर। मासेस भी सेम थे, इम्पल्स भी सेम थी। हाँ वे आप वैसे भी सोच सकते हैं कि ये तो रेस्ट पे आ ही गया, यस सर तो मैं कहूंगा इनिशियल वाई एक्सिस में मोमेंटम कितना था, जीरो, और हाँ फाइनल भी जीरो होना चाहिए, तो एम एम वी वन साइन 30 माइनस एम वी वन साइन 30 शुड बी जीरो। या एक तो लगा दो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑन यस सर सिस्टम इन एक्स एक्सिस, तो आ गया एम यू इज 2m वी वन वन वी वन कॉस थीटा कॉस कॉस 30, 30 हाँ तो यू इज 2 वी वन कॉस 30 इज रूट 3/2, रूट 3/2 यस सर। ये हो गया। हाँ यस एंड सर। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसके अलोंग लगाते हैं, परपेंडिकुलर जो कॉमन है नॉर्मल के अलोंग ना। हाँ जैसे कॉमन नॉर्मल हाँ, तो यस किसी सर। दो पे ही तो लगाओगे, तीनों पे हाँ थोड़ी लगाओगे एक साथ। तो यस सर हम ये कहेंगे ये कॉमन नॉर्मल है ना हाँ इन दो का, थर्टी और ये कॉमन नॉर्मल है ना। कितना आएगा, वी सेपरेशन सेपरेशन वी वन आएगा इज इक्वल वी वन, अरे वी सेपरेशन तो इसके अलोंग देखोगे ना। हाँ यस सर। वी वन आएगा इज हाँ ई वी अप्रोच यू कॉस कॉस 30, थीटा कॉस 30 हाँ हो गया। V1 को लिख देना
यू बाय रूट थ्री हाँ इज ई यू रूट थ्री बाय टू इज सर सर हाँ सही है टू बाय थ्री हाँ अगेन मैंने ई पूछा फाइंड ई यस सर एंड इट इज गिवन तो पहले वाला है इट रिबाउंड्स बैक विद वी बाय टू इट रिबाउंड बैक बाय वी बाय टू हाँ रिबाउंड बैक बाय वी बाय टू ऐसे था यस सर एंड इट रिबाउंड्स बैक बाय यू बाय टू हाँ तो हमने कहा भाई फाइनल वेलोसिटी डायग्राम हम कैसे बनाएंगे इसकी तो हो जाएगी V1 एट एंगल 30 यस सर नीचे वाले की भी हो जाएगी V1 एट एंगल 30 और इस पे नेट इंपल्स जो लगी थी वो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग लगी थी हाँ Y में तो इंपल्स थी भी नहीं Y में वेलोसिटी भी नहीं थी तो फिर चेंज होके U by 2 हो जाएगी X एक्सिस में यस सर ये गिवन है हाँ. अब एक इक्वेशन तो हो जाएगी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑन द सिस्टम इन एक्स एक्सिस यस सर तो ये हो गया एम यू इज माइनस एम यू बाय टू प्लस टू एम वी वन कॉस 30 इज रूट थ्री बाय टू यस सर एक इक्वेशन तो ये हो गई हाँ दैट्स थ्री यू बाय टू इज वी वन रूट थ्री 2v1 root 3 अच्छा 2 भी कट गया सॉरी 2 भी कट गया ठीक है तो एक इक्वेशन तो ये हो गई root 3 u by 2 हो गया और v सेपरेशन इज ev अप्रोच v सेपरेशन अलोंग कॉमन नॉर्मल लेना है यस सर और v अप्रोच bc के अलोंग लेना है किसी दो का लेना है तो इन दो पे देखे तो ये 30 ये भी 30 होगा ना यस सर तो v सेपरेशन हो जाएगा u by 2 cos 30 प्लस v1 इज e v अप्रोच इज e u cos 30 और v1 को लिख दो रूट थ्री यू बाय टू तो ये तो पहले तो u बाय टू रूट थ्री बाय टू प्लस v1 को लिख दिया रूट थ्री यू बाय टू इज e u रूट थ्री बाय टू यस सर यू कटा हाँ रूट थ्री कटा यस सर टू कटा यस सर इज वन बाय टू प्लस वन सर वन बाय टू रहेगा ना नहीं प्लस वन नहीं होगा ये अच्छा हाँ वन हो रहा है वो हाँ सर पर ई वन से बड़ा आ सकता है इसका ऑप्शन होगा फाइनल सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल मतलब इसमें क्वेश्चन में दिया होगा फाइंड ई और इसमें तुम ये कहोगे फाइनल सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल पॉसिबल बिकॉज फाइनल सिचुएशन में एक्चुअली टोटल एनर्जी ज्यादा आ रही है ठीक है तो पूरा करने के बाद पता चला ऑप्शन क्या आ रहा है नॉट पॉसिबल ठीक है तो दिस इज आई वुड से नॉट पॉसिबल इट कैनॉट रिबाउंड बैक विद यू बाई टू हाँ दैट अजम्पशन इज रॉन्ग मतलब दैट सिचुएशन इज रॉन्ग यस सर